हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग? हाँ बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की बात की एनिमल डाइवर्सिटी सेक्शन में, और आज हम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की बात भी हमने बात कर ली। कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात की, उसके क्लासिफिकेशन की बात की। तो चलिए आज हम क्लासिफिकेशन के बाद हमारे सामने जो ग्रुप आए थे क्लासिफिकेशन एनिमल डाइवर्सिटी में, जब हमने कॉर्डेटा को क्लासिफाई किया तो फाइलम कॉर्डेटा में हमारे सामने दो ग्रुप बने। एक ग्रुप था प्रोटोकॉर्डेटा और एक ग्रुप का नाम था यूकॉर्डेटा। आप लास्ट लेक्चर देखिए, उसमें प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप जो था, उस प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप में आते हैं प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। कैसे कॉर्डेट आते हैं बच्चों? यहाँ पर प्रिमिटिव कॉर्डेट। और याद रखें, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जितने भी थे उनमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए उन्हें कहा जाने लगा क्या, एक्रेनिएटा। और एक्रेनिएटा के जितने भी मेंबर्स हैं, याद रखें, कंप्लीटली होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि अगर हम डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट सबफाइलम के बारे में बात करेंगे, लेकिन सभी प्रोटोकॉर्डेटा के मेंबर एक्सक्लूसिवली क्या हैं, मरीन वाटर में मिलते हैं। जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, जिन्हें क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स की एब्सेंस के अकॉर्डिंग एक्रेनिएटा भी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों प्रोटोकॉर्डेटा का पहला सबफाइलम जो बना है। प्रोटोकॉर्डेटा के तीन सबफाइलम बने हैं ओवरऑल। अगर हम कॉर्डेटा के सबफाइलम की बात करें तो प्रोटोकॉर्डेटा का पहला सबफाइलम बना है, जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका सबफाइलम का नाम है यूरोकॉर्डेटा। क्या है बच्चों? यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा एक सबफाइलम जो बनता है, आज मैं कॉर्डेटा के तीनों सबफाइलम बताऊंगा आपको, और पहला सबफाइलम जो है वो है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में यूरो वर्ड का मतलब होता है टेल, और कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड, मतलब जिनके टेल में नोटोकॉर्ड होती है। तो चलिए ऐसा कुछ है क्या इसमें, जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जितने भी मेंबर्स हैं यूरोकॉर्डेटा के वो एक्सक्लूसिवली मरीन हैं, एक्सक्लूसिवली ओशियन में मिलते हैं। और बात करते हैं बच्चों, इस सबफाइलम के मेंबर को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया होगा कि सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, क्योंकि इनके एडल्ट की बॉडी पर एक लैदरी शैल होता है जो सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है। देखिए, इनकी बॉडी है जिस पे एक लैदरी शैल है, एंड दिस लैदरी शैल इज फॉर्म बाय सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक मैटर, एंड दिस सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट अपॉन बॉडी सर्फेस इज कॉल्ड ट्यूनिसिन। और ट्यूनिसिन से बना हुआ लैदरी शैल रखने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा? ट्यूनिकेटा। क्या बोला जाएगा बच्चों? ट्यूनिकेटा। तो इनके मेंबर्स को कॉमनली ट्यूनिकेटा भी कह दिया जाता है। पूरी लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। This subphylum is also called tunicata because the adult body is enclosed with a leathery test or tunic formed of a cellulose-like organic substance termed tunicin. ठीक है, तो ट्यूनिसिन जैसे सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से इस सबफाइलम का नाम ट्यूनिकेटा भी। तो कई बार आपके सामने सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ट्यूनिकेटा। तो ट्यूनिकेटा यूरोकॉर्डेटा का ही दूसरा नाम है। और बात करते हैं बच्चों, याद रखें लार्वा इनका जो होता है उसको बोला जाता है एसिडियन टेडपोल लार्वा। एक्चुअली एसिडियन टेडपोल लार्वा इज रिजेंबल लाइक टेडपोल ऑफ फ्रॉग एंड टोड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडियन टेडपोल लार्वा। अंडरगो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, अंडरगो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें, चेंज फ्रॉम बेटर डेवलप लार्वा टू लेस डेवलप एडल्ट। बेटर डेवलप लार्वा टू लेस डेवलप एडल्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर ये बात बोलना चाहता है कि इनके पास, अगर हम बात करें कि नोटोकॉर्ड जो होगी प्रेजेंट इन, नोटोकॉर्ड मिलेगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा की टेल में तो नोटोकॉर्ड होती है, बट नोटोकॉर्ड एब्सेंट इन, पहले अगर आप इस बात को समझेंगे तब आपको समझ आएगी, नोटोकॉर्ड एब्सेंट इन एडल्ट। समझिएगा बच्चों, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड है और एडल्ट फॉर्म में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, तो नोटोकॉर्ड का मिलना तो एक कॉर्डेट कैरेक्टर है, और कॉर्डेट कैरेक्टर का मतलब वो एक एडवांस कैरेक्टर है। इसका मतलब एडवांस कैरेक्टर लार्वा में है और एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है, मतलब एडवांस कैरेक्टर नहीं है। और एडवांस कैरेक्टर लार्वा में होने का मतलब लार्वा ज़्यादा डेवलप है और एडल्ट कम डेवलप है। तो हमेशा हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि बनता है भाई एग, एग से बनता है लार्वा, लार्वा से बनता है एडल्ट, और हम इसको बोलते हैं दिस इज ए प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बिकॉज यू नो दैट एग से ज़्यादा डेवलप होता है लार्वा और लार्वा से ज़्यादा डेवलप होता है एडल्ट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी का लार्वा ज़्यादा डेवलप हो और एडल्ट कम डेवलप हो, इससे ज़्यादा अच्छे से मैं इस बात को बोलूँ कि लार्वा में ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर हो, लार्वा में कॉर्डेड कैरेक्टर हो और एडल्ट में कॉर्डेड कैरेक्टर ना हो। देखिए जैसे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी टेल में, लार्वा की टेल में, लेकिन एडल्ट में तो नोटोकॉर्ड ही नहीं है। सो दिस इज नॉट ए प्रोग्रेसिव, दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोला जाता है? रेट्रोग्रेसिव। तो अब पूरी लाइन पढ़ती देखिए। द लार्वा, कौन सा लार्वा है बच्चों? एसिडियन टेडपोल अंडरगो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, चेंज फ्रॉम बेटर डेवलप लार्वा टू लेस डेवलप एडल्ट। नॉट क्योंकि लार्वा के पास नोटोकॉर्ड है, एडल्ट के पास नोटोकॉर्ड नहीं है। तो याद रखें, बेटर डेवलप लार्वा से लेस डेवलप एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसा हर्डमानिया में देखने को मिलता है, यूजुअली हम सीधा यूरोकॉर्डेटा में बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास होती है वेनेडोसाइट्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट इन हर्डमानिया। हर्डमानिया को छोड़कर, जिसको स्वी स्क्विड भी बोला जाता है, उसको छोड़कर इनके सभी मेंबर्स में वेनेडोसाइट होती हैं। वेनेडोसाइट जहाँ भी होंगी बच्चों, याद रखें कौन सा कलर प्रोवाइड करेंगी? पर्पल कलर प्रोवाइड करेंगी। वेनेडोसाइट से जो कलर आता है कौन सा होता है? पर्पल कलर। तो वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वेनेडियम गिव ग्रीन कलर टू ब्लड, तो ग्रीन और पर्पल ये वर्ड याद रखें आप अच्छे से। एंड एक्सक्रीशन बाय कौन सी ग्लैंड से होता है? न्यूरल ग्लैंड। एक्सक्रीशन के लिए जो ग्लैंड है इनके पास, उसका नाम क्या है? न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। हैंस एक्सक्रीशन बच्चों कैसा होगा इनका? ग्लैंडुलर एक्सक्रीशन होगा। कैसा होगा? ग्लैंडुलर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो याद रखें उनके ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है, उसको हम कैसा एक्सक्रीशन बोलेंगे? ग्लैंडुलर एक्सक्रीशन। सीधा सीधा मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। इसकी 3 क्लासेस बनी है बच्चों। इसकी क्लासेस का नाम है लार्वेसी, एसिडिएसी एंड थैलिएसी। कौन कौन सी है? लार्वेसी, एसिडिएसी एंड थैलिएसी। लेकिन आप केवल एग्जाम्पल याद रखें। इसके एग्जाम्पल हैं एसिडिया, इसका एग्जाम्पल हो सकता है साल्पा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है डोलियोलम, इसका एग्जाम्पल हो सकता है पायरोसोमा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है सियोना, और एक एग्जाम्पल जो अभी हमने देख रहे थे वो है हर्डमानिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा, सियोना एंड हर्डमानिया, इन विच पायरोसोमा, ये जो पायरोसोमा है ये शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। तो कॉर्डेट के अंदर भी कुछ मेंबर हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं, और कॉर्डेट में ऐसा मेंबर जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, क्या नाम बोला जाता है बच्चों? पायरोसोमा जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे पहले हमने ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सब फाइलम की बात की, यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स में हमें जानने को मिला कि इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहा जा सकता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात की। एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम, अच्छे से याद रखें बच्चों। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है जिसके अंदर आपको ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब एसिडिया का एडल्ट जो है वो ससाइल होता है और बॉटम से जुड़ा हुआ होता है। ये है एट्रियल अपर्चर्स, ठीक है, ये इसको हम एट्रियल अपर्चर बोला जाता है इसके लिए, ठीक है। और साथ में चलिए, इतना हमें डिटेल याद नहीं रखना, हमें तो याद रखें ये डायग्राम आप रिकग्नाइज कर पाएँ, पहचान पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये एसिडिया का डायग्राम है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड सबफाइलम की, जिसका नाम क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में साउंड ही क्या आता है बच्चों? देखिए, सिफेलो मतलब हेड, ठीक है, और कॉर्डेटा तो नोटोकॉर्ड। एक्चुअली इनमें हेड टू टेल नोटोकॉर्ड होती है। कहाँ होती है नोटोकॉर्ड? हेड टू टेल नोटोकॉर्ड होती है, और पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और थ्रू आउट द लाइफ होगी, ठीक है। तो चलिए सेफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। पहला, द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट से एंटीरियर एंड तक होती है। देखिए एम्फियोक्सस का एक डायग्राम दिख रहा है, ये माउथ है, यहाँ से नोटोकॉर्ड स्टार्ट है, देखिए डायग्राम में नोटोकॉर्ड, और ये जो नोटोकॉर्ड है बिल्कुल बॉडी के एंड तक दिख रही है। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर बॉडी के लास्ट एंड तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट द लाइफ होती है। द टेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, टेल भी पूरी लाइफ होती है। ब्रैंकियोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है। ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस भी जिसे कहा जाता है, हैज़ बोथ एंड्स पॉइंटेड लाइक लैंस। पॉइंटेड बोलेंगे बच्चों हम, दोनों एंड इनके कैसे होते हैं बच्चों? पॉइंटेड होते हैं। दोनों के दोनों एंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? पॉइंटेड होते हैं। देखिए ये एंड भी पॉइंट है, ये एंड भी पॉइंटेड है, लेंस की तरह दोनों ही एंड क्या होते हैं? लेंस इज अ वेपन, उसकी तरह दोनों ही एंड कैसे होते हैं? इसके पॉइंटेड होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लैंसलेट। क्या बोला जाता है? लैंसलेट। इवन आप तो याद रखें कि इनका लार्वा जो है, इनका लार्वा जो है उसको भी बोला जाता है कौन सा लार्वा? लैंसलेट लार्वा। कौन सा लार्वा बोला जाएगा? लैंसलेट लार्वा। और इनमें नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हेड टू टेल, हेड से लेकर टेल तक होती है, हेड टू टेल, एक्सटेंड हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड होती है हेड टू टेल। तो याद रखें पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक होती है। इसके अलावा इनके पास गिल स्लिट्स भी होती है। आप देखिए फेरिंजियल स्लिट्स, दे आर फेरिंजियल गिल स्लिट्स, इनके पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं। इनके पास आप देख सकते हैं टेल है, इनके पास अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड है, इसके अलावा इनके पास नर्व कॉर्ड है। इसका मतलब याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है कि सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर में ऑल फोर फंडामेंटल, यू नो दैट फोर फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स आर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल एंड प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ऑल फंडामेंटल, ऑल फोर फंडामेंटल कैरेक्टर जो हैं सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर में पूरी लाइफ होते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी होते हैं, उनके लार्वा में भी होते हैं और इवन एडल्ट में भी सारे कैरेक्टर होते हैं। क्या ऐसे कॉर्डेट को मैं टिपिकल कॉर्डेट वर्ड यूज कर सकता हूं? तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, कभी आ जाए बाई चांस तो याद रखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कॉर्डेट, तो वो हैं सिफेलोकॉर्डेटा के। तो फिर बच्चों हमने क्या क्या बात की, हमने ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर हमने सबसे पहले सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात की है, फिर हमने सबफाइलम यूरोकॉर्ड के बाद सिफेलोकॉर्डेटा की बात की है। अब हम चलिए बात करते हैं एक और सबफाइलम की जो यूकॉर्डेटा का मेंबर है। किसका मेंबर है? यूकॉर्डेटा में आता है। वैसे हम प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ रहे थे लेकिन यूकॉर्डेटा का भी सबफाइलम आपको यहीं पर ही बता देते हैं, जिसका नाम क्या है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में वो आते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके कौन आ जाती है? बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। तो देखते हैं वर्टिब्रेटा में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। वर्टिब्रेट्स आर एडवांस कॉर्डेट दैट हैव क्रेनियम। आप सभी जानते हैं क्रेनियम होती है, इसीलिए तो इन वर्टिब्रेटा के मेंबर को भी क्या बोल सकते हैं? क्रेनिएटा। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों? क्रेनिएटा, क्योंकि इनके पास बोनी या कार्टिलेजिनस ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन के चारों तरफ जो प्रोटेक्शन दे रहा है, और इसलिए ये एडवांस कैरेक्टर है, एडवांस कॉर्डेट है, यू कॉर्डेट्स हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। इनकी नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, क्योंकि एडल्ट स्टेज में तो इसे कौन रिप्लेस कर देता है? बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो पढ़ते हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं, इन एडल्ट फॉर्म। याद रखें इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि इनके पास अगर हम बात करें फिशेस की बात करें तो फिन्स होते हैं, फिन्स जैसे अगर हम बात करें पेक्टोरल फिन होते हैं, पेल्विक फिन होते हैं, और बाकी के अंदर तो हम नाम ही वर्ड यूज़ करते हैं अपेंडेजेस रखने वाले, टेट्रापोडा एज फिन्स एंड लिम्स, तो फिन्स रखने वाली फिशेज और लिम्स रखने वाले टेट्रापोड्स। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है वर्टिब्रेट्स में हमें देखने को। इवन हमें तो यूरोकॉर्डेट्स में भी, अगर यूरोकॉर्डेट्स के मेंबर्स की बात ना करें, अगर मैं यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर बता देता हूँ, यूरोकॉर्डेट्स के मेंबर में हमें देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेशन, वन एंड ओनली कॉर्डेट्स जिसमें हमें देखने को मिलता है कुछ मेंबर में क्या? ओपन सर्कुलेशन। वो हैं हमारे कौन? यूरोकॉर्डेटा। अदरवाइज याद रखें सभी कॉर्डेट्स के अंदर हमें कैसा मिलता है? क्लोज सर्कुलेशन। तो सभी वर्टिब्रेट्स में भी क्लोज सर्कुलेशन होगा, मस्कुलर एंड वेंट्रल हार्ट होगा, टू चैम्बर्ड हार्ट भी हो सकता है जो हमें फिशेज में देखने को मिलेगा, थ्री चैम्बर्ड हार्ट भी हो सकता है जो हमें एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, एंड फोर चैम्बर्ड हार्ट हमें क्रोकोडाइल, एव्स एंड सभी मैमल्स में देखने को मिलेगा। लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होगा, सभी के पास एरिथ्रोसाइट आरबीसी होगी, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होगा आरबीसी में, एंड सभी के पास वन पेयर किडनी होगी, किसी के पास ये मीजोनेफ्रिक टाइप होगी, किसी के पास ये मेटानेफ्रिक टाइप होगी, एंड साथ में याद रखें किसी में ये प्रोनेफ्रिक भी हो सकती है और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड सभी के अंदर प्रेजेंट होंगी, वेल डेवलप होंगी, और जनरली सभी यूनिसेक्सुअल होंगे और सबके पास वन पेयर गोनाड्स प्रेजेंट होंगे। तो मतलब ये कुल मिला के हम धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि अब ये बिल्कुल कैरेक्टर हमारे जैसे, हमारी फिजियोलॉजी से आ रहे हैं, तो बिल्कुल वर्टिब्रेटा में ही हम आते हैं, और वर्टिब्रेटा में ही हम आगे एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमेटा की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि ग्नाथोस्टोमेटा के जो मेंबर्स हैं, उन ग्नाथोस्टोमेटा के मेंबर्स को आगे हमने क्लासीफाई किया दो सुपर क्लास, पाइसेस एंड टेट्रापोडा में। चलिए, तो ये तो हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हमने क्या क्या बात की देखते हैं। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के वो मेंबर्स जिनमें ओपन सर्कुलेशन है, जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, और जिनमें नोटोकॉर्ड लार्वा की टेल में होती है, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हमने देखे एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा, सियोना एंड हर्डमानिया। डायग्राम एनसीईआरटी में है, इसलिए आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, सेकंड हमने सब फाइलम की बात की सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा वो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है हेड से लेकर टेल तक। टिपिकल कॉर्डेट हैं जिनके पास सारे कॉर्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर थ्रू आउट द लाइफ होते हैं। और इसका एक एग्जांपल जो इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों, जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो है ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सस, जिसके दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं लेंस की तरह, इसलिए बोला जाता है लैंसलेट। और इवन मैंने आपको बताया इनका लार्वा भी क्या है, लैंसलेट। आप डायग्राम से कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। ये डायग्राम लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके नेम्स को याद रखने की कोशिश ना कीजिए। आप केवल समझिए कि ऐसा ये डायग्राम थोड़ा लेंस जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखे, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम शो किया है। बाकी इनके जो नेम्स हैं उनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने यूरोकॉर्डेटा के एक सब फाइलम की बात की जिसका नाम क्या था, वर्टिब्रेटा, जिसको हम क्रेनिएटा भी कहते हैं। और जिसमें जब हमने कैरेक्टर की बात देखना शुरू की तो पता चला कि इसमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके आती है वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट फॉर्म में, और बाकी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो हमारे जैसे ही हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों सब फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिब्रेटा के हम आगे बात करेंगे डिविजन्स की, ए ग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। और उसमें से नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम ए ग्नैथा की बात करेंगे, और ए ग्नैथा में हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा की, क्योंकि ऑस्ट्रेकोडर्मी के मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और साइक्लोस्टोमेटा क्लास की बात करेंगे जिसमें आएंगी फॉल्स फिशेस। तो नेक्स्ट क्लास में फॉल्स फिशेस की बात की जाएगी, उनमें माइग्रेशन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बताया जाएगा। व्हाट इज एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, और उसको एक ट्रिक से समझाने की भी मैं कोशिश करूँगा ताकि आप उससे रिलेटेड कभी माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। लेकिन क्या आप सबसे पहले जो यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा जो हमने पढ़ा है, इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस आपके सामने आ जाए तो कर पाएंगे? तो देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मैंने बता दिया था, मतलब कि जिसके अंदर हमें लार्वा ज़्यादा एडवांस होता है। लार्वा क्या होगा, मोर एडवांस, जिसमें लार्वा ज़्यादा एडवांस हो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एडल्ट जो है रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है यूरोकॉर्डेटा में। तो एम्फियोक्सस इज ए सेफेलोकॉर्डेटा, ये नहीं होगा। एस्टेरियास, एस्टेरियास याद आना चाहिए बच्चों, एस्टेरियास इज ए स्टारफिश। एस्टेरियास तो क्या है बच्चों, स्टारफिश है, तो ये भी नहीं होगा। एसिडिया, एसिडिया बिल्कुल, एसिडिया इज ए मेंबर ऑफ यूरोकॉर्डेटा। एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, सियोना, पायरोसोमा, हर्डमानिया ऐसा लिखा है ना हमने, तो एसिडिया है। एंड एम्फीबिया नहीं बच्चों, एम्फीबिया तो एक क्लास है। तो सीधा सीधा हमें आंसर हमारा दिख रहा है जो है हमारा एसिडिया। तो याद रखें एसिडिया इज ए मेंबर ऑफ यूरोकॉर्डेटा। मैं और अच्छा बोल सकता हूँ कि ये एक ट्यूनिकेट है, ट्यूनिकेटा का मेंबर है। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम होता है बच्चों ट्यूनिकेटा। और इनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलता है। तो आज आपको सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा के एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात की। ओवरऑल कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट लेक्चर में वर्टिब्रेटा के डिविजन्स के साथ आपके साथ में आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, एटीपी के वीडियोस की हेल्प लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।